मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बोईसर के कुछ क्षेत्रों में गणपति के नाम पर दुकानदारों से जबरन धन उगाही की सामने आई शिकायत। पालघर जिले के बोईसर से ताजा एक विवाद जो सामने आया है वह है कुछ लोगों द्वारा आगामी गणपति के नाम पर बोईसर शहर के कुछ क्षेत्रों में दुकानदारों को किसी से 2,100 रुपए तो किसी से 501 रुपए जबरदस्ती चंदा की पावती देकर जबरन धन उगाही किया जाने का। इस मामले पर पूर्व कोंकण पाटमदारे विकास महामंडल उपाध्यक्ष एवं वर्तमान पालघर उप जिला प्रमुख शिवसेना नेता जगदीश ढोड़ी ने बताया कि आज उनके संपर्क कार्यालय पर कुछ दुकानदार अपना दुखड़ा लेकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचे थे। दुकानदारों ने अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि उनसे जबरन पैसे देने के लिए कहा जा रहा है और दादागिरी भी की जा रही है। जबरन चंदा वसूलने वाला दुकानदार को धमकाते हुए कहता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, शाम को आऊँगा और पैसे रेडी रखना, ऐसा दुकानदारों ने जगदीश ढोड़ी को बताया। इस विषय पर जगदीश ढोड़ी ने बोईसर पुलिस स्टेशन के अधिकारी से बात की, उचित कार्यवाही करने की मांग की। सुनिए जगदीश ढोड़ी का इस मामले पर दिया गया बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। आज ढोड़ी पूजा के कुछ व्यापारियों का शिष्टमंडल मुझे मिलने को आया था और उनकी ये तकरार थी कि ढोड़ी पूजा में एक गुनहगार आदमी जिसका पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड है, जिसकी पार्श्वभूमि गुनहगारी की है, वो रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है वो गलत डालकर जो रिसीप्ट देकर गणपति के नाम से जो चंदा उगाही कर रहा है, जबरन चंदा उगाही कर रहा है, ऐसी उनकी तकरार थी। और उस तकरार के माध्यम से बोईसर पुलिस स्टेशन के सालुक के साहब है, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की है और उनको बोला है कि ऐसी अगर गणपति के नाम से, गणपति त्यौहार के नाम से अगर जबरन चंदा उगाही हो रही है तो इसमें पुलिस को दखलअंदाजी करनी चाहिए। और वो कौन है जो नाके पे आकर दुकानदारों से जबरन उसको जो चाहिए उस तरह का चंदा लिख कर अगर जबरन उगाही कर रहा है तो उसके ऊपर क्विक एक्शन होनी चाहिए। नहीं तो आज व्यापारियों में डर है, कल को बड़ी घटना वहाँ हो सकती है, इसलिए पुलिस को चाहिए कि तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले और ऐसे आदमी के ऊपर कार्रवाई करे ताकि पब्लिक में जो डर है वो निकल जाए। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।